दोस्तों यूएसए की 16 लार्जेस्ट बैंक सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो कोलैप्स हो चुकी है। सिर्फ सिलिकॉन वैली बैंक ही नहीं, सिग्नेचर बैंक भी कोलैप्स हो चुकी है। नाउ ऐसा क्या हो रहा है जिसमें देखा जाए तो यूएसए के बैंक्स क्राइसिस में आ चुकी है, जिसके वजह से आपको देखा जाए तो यूएसए में नहीं यूरोप में भी बहुत सारे बैंक क्राइसिस, स्पेशली क्रेडिट स्विस बैंक। तो जिसके वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पे जो है 2008 की क्राइसिस हमारे को देखने को मिल सकती है। तो जानेंगे इस वीडियो में ऐसा क्या है कि हमारे को इतनी बड़ी लंबी क्राइसिस देखने को मिल सकती है, इतनी भयानक क्राइसिस देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हुआ क्या। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि सिलिकॉन वैली बैंक जो है ना नॉर्मली क्या करती है कि वो स्टार्टअप्स को फंडिंग देती है। वो क्या करती है, स्टार्टअप्स को फंडिंग देती है स्पेशली टेक्नोलॉजी में, और बहुत सारे ट्रेजरी बॉन्ड में भी उसने इन्वेस्टमेंट्स करके रखी हुई थी। जिसके वजह से क्या हुआ कि उनको करीबन देखा जाए तो 80 बिलियन डॉलर का जो लॉस हुआ खाली इस इन्वेस्टमेंट्स की वजह से। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये मतलब इन्वेस्टमेंट्स करने से 80 बिलियन डॉलर का लॉस कैसे हो गया। मैं आपको बता दूं कि यूएस की जो ट्रेजरी बॉन्ड है वो उसकी यील्ड गिरने के वजह से, इनकी सारी इन्वेस्टमेंट्स इनके इसमें होने की वजह से करीबन 80 बिलियन डॉलर का इनको लॉस फेस करना पड़ा। और दूसरे ही तरफ जो टेक सेक्टर की स्टार्टअप्स है वो काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल में चल रही, जैसे आप देख ही सकते हो कि बहुत सारे जो है इसमें आपको ले ऑफ्स के भी आपको न्यूज़ आते रहेंगे टेक के रिगार्डिंग। ऑलरेडी मैंने भी वीडियो बनाई हुई है टेक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, वो भी आप देख सकते हो, वहाँ पे मैं आपको लास्ट में एंड कार्ड में मेंशन कर दूँ। फिर इसके बाद तो ये तो हो गई, मतलब ये दोनों की वजह से इतना हो गया कि यहाँ पे लोगों ने पैसे जो निकालते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है जितने भी डिपॉजिट्स है उसके पैसे से उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किया कि चलो भाई ये, हालांकि ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट्स करना कोई बुरी बात नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट्स करना अच्छी बात है, बट ऐसा क्या हो गया कि जो हमारे को ट्रेजरी बॉन्ड में डालने के वजह से इतना लॉस बेयर करना पड़ा। अब मैं आपको बता दूं कि ट्रेजरी बॉन्ड की जो जो बॉन्ड यील्ड है वो गिरने का रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न ये है कि यूएसए ने अभी रिसेंटली जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाई थी, मतलब देखा जाए तो एक साल में करीबन 0.25 से 5% के आसपास 4.75 का जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाई हुई है ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। ये इनका सबसे बड़ा मोटिव था यूएस फेड का, ताकि वो इन्फ्लेशन को अच्छे से कंट्रोल कर सके। लेकिन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने जो यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ाई, मतलब फेड इंटरेस्ट बढ़ाया, इससे हुआ क्या कि लोगों ने मतलब कि एक तो जो लोन्स वगैरह होते हैं वो महंगे होने लगे, जिसके वजह से एक लोन लेना लोगों के लिए भारी, मतलब एक स्टार्टअप्स के लिए लोन लेना बहुत ही भारी हो गया। और दूसरी तरफ ये कि उनको इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं मिल रहे थे, जिसके वजह से इलिक्विडिटी की वजह से लोग जो है पैसा निकालना चालू कर रहे थे। अब क्या है कि इन्फ्लेशन में जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो यहाँ पे ना इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से डिविडेंड यील्ड जो है गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म में तो ठीक है बट शॉर्ट टर्म्स में उसकी वैल्यू गिर जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लोग अपने जो है अमाउंट जो है डिपॉजिट से निकाल रहे थे कैश, और वो मतलब ज़्यादा डिपॉजिट निकालने के वजह से ये प्रॉब्लम्स देखने को मिली कि उनके पास जो मतलब जो पैसे रिटर्न, क्योंकि उन्होंने सारे पैसे ट्रेजरी बॉन्ड में लगा दिए और उसको फुलफिल करने के लिए इन्होंने जो है 80 बिलियन का लॉस बेयर फेस किया। और देखोगे तो ये करीबन 60% से जो है इनकी शेयर्स देखते देखते 10 दिन में डाउन हुई है, 106 हो चुकी है। आप सोच सकते हो कि 160 डॉलर यानी कि 60% आप देख सकते हो कि इतना खासा लंबा दौड़ा डाउन देखने को मिला। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये 60% डाउन होने का मतलब क्या, एक बैंक का कोलैप्स होना मतलब कि बैंकिंग सेक्टर पे क्वेश्चनिंग करता है, और ये कन्फर्म करता है सिग्नेचर बैंक जो कि सबसे बड़ा बैंक ये भी माना जाता है, ये भी जो है फेल होता हुआ दिख रहा है बैंक यूएसए में। जिसके अगर सिग्नेचर बैंक को देखोगे तो ये करीबन जो है 35% से डाउन है, 70 USD का हो चुका है, तो इसमें भी बहुत बड़ी डाउन देखने को मिली है बैंक में। इतना ही नहीं, क्रेडिट स्विस जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उनको भी 15% से जो है शेयर्स में डाउनफॉल देखने को मिला ऑल टाइम लो। हालांकि क्रेडिट स्विस की हालत पहले से ही खराब है, इसके पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई क्रेडिट स्विस के ऊपर, वो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, आप एंड कार्ड में देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां पे देखना क्रेडिट स्विस की हालत क्या खराब है। यहां पे जो है 15% यूरोपियन बैंक में सबसे बड़ा इसमें क्राइसिस देखने को मिला। इनके अलावा आप देखोगे तो यूबीएस में भी 3.36% का डाउनफॉल देखने को मिला। इंपैक्ट आप देख सकते हो कि यूरोपियन मार्केट में भी देखने को मिला, कॉमर्स बैंक में भी 4.1%, और जो यूरोपियन बैंक के जो इंडेक्स है वो करीबन 3% से डाउन देखने को मिले विद इन 2 डेज के अंदर। तो आप यहाँ पे जो मॉर्गन स्टैनली जो है वो कहते हैं कि यहाँ पे मतलब इतना तो यूरो जोन को तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे यूरोपियन को भी मतलब यूएसए को तो इम्पैक्ट कर रही है, यूरोप मार्केट को भी इम्पैक्ट कर रही है। तो आप सोच सकते हो कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं आगे चलकर। इसमें से सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो समझ में आता है कि लोगों का कि क्या ये जो इम्पैक्ट है सेम एज इट इज़ फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-08 का देखने के जैसा मिल सकता है।
सेम ऐसा ही कुछ हुआ था होम लोन क्राइसिस के रिगार्डिंग, यूएसए में सेम चीजें रिपीट होते हुए दिख रही है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके जो क्राइसिस आने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप देखोगे तो डॉलर पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है, ये 106 से सीधा 103 के आसपास में आपको डाउन देखने को मिला, करीबन 2% से जो है डॉलर जो है डिवेल्यूट हुई है, मतलब कि डिप्रिशिएट हुई है एज अगेंस्ट सारे करेंसीज के सामने, या डॉलर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। इनके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो गोल्ड रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने को देखने को मिला है, एक आउंस के सामने यानी कि 38.8 ग्राम के सामने है, सीधा सीधा 65 ग्राम पर डॉलर ग्राम जो है आउंस में बढ़ता हुआ देखने को मिला। अब गोल्ड बढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, देख सकते हो कि इसके यही सारी रीजंस के वजह से जो यील्ड है, बॉन्ड यील्ड है, वो भी 4% से डाउन देखने को मिला। अब जब इतने सारे इवेंट्स एक साथ में होते हैं तो ये सीधा सीधा इंडिकेट करते हैं कि आपको फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल सकता है। लेकिन जो बाइडेन ने संभावना दिया है कि यहाँ पे कोई भी बैंकिंग फेलियर्स देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी क्राइसिस देखने को नहीं मिलेगा जैसे सिग्नेचर बैंक सिलिकॉन वैली बैंक के साथ में हुआ, वो एक अलग एंटिटी है, बैंकिंग जो है ऑलरेडी सिक्योर है और फेड इंटरेस्ट रेट का इससे कोई ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा यूएसए बैंकिंग सेक्टर को। और वहीं पे इंडिया की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि भले ही ट्रेजरी बॉन्ड जो है बैडली इंपैक्ट करेगी यूएसए की, लेकिन इंडिया की ट्रेजरी बॉन्ड से कुछ लेना देना नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। दैट मींस कि ट्रेजरी बॉन्ड को अगर कुछ होता है तो बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा क्राइसिस देखने को मिलता है, जो कि इंडिया में एकदम सिक्योर है। बट जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनली इन्वेस्टमेंट्स किया है तो वो SVB बैंक और सिग्नेचर बैंक के वजह से प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं, बाकी इंडियन स्टॉक मार्केट जो है सेफ है। इंडियन स्टॉक मार्केट में खाली एक चीज में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगे, क्योंकि कि सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के जो डॉलर्स हैं वो ऑलरेडी लॉक होंगे, या मतलब कि फॉरेन प्रेशर्स के वजह से, मतलब जो ग्लोबल प्रेशर्स के वजह से वो अपने डॉलर जो है मतलब अपने इन्वेस्टमेंट्स है वो वापस खींच सकते, तो बस ये एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि देखो यूएसए को कुछ भी प्रॉब्लम्स हुई या क्राइसिस आती है तो ऑफकोर्स ये बात है कि पूरे वर्ल्ड को फेस करनी पड़ती है, बट फिर भी इंडिया एज कम्पेयर टू अदर कंट्री फिलहाल सेफ माना जा रहा है। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और साथ साथ में सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले, और साथ साथ में क्रेडिट स्विस की जो मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दी है वो आप देख लेना, वो मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये 2008 वाली क्राइसिस कभी ना देखने को मिले, ये क्राइसिस बहुत ही खराब क्राइसिस थी, लोगों के इन्वेस्टमेंट्स जीरो हो गए थे यहाँ पे। तो आशा करता हूं कि ये 2008 क्राइसिस ना आए और आप लोगों के इन्वेस्टमेंट सेफ। धन्यवाद।